सहनावतु सहनो नो भुनक्तु सह वीर्यङ्कर्वा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति 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 वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है ब्रह्मयज्ञ में हम गुरुमंत्र गायत्री का जो अर्थ है उस पर चर्चा कर रहे हैं और सर्वप्रथम जो ओम शब्द आता है ओम उस पर ब्रह्म परमेश्वर का वाचक है महर्षि पतंजलि ने भी अपने उपदेश में कहा तस्य वाचक प्रणव तप तदर्थ भावनम अर्थात उस परम पिता परमेश्वर का जो वाचक है वो ओम है वो प्रणव है और वाचक और वाच्य का जो संबंध होता है जैसे शब्द का और अर्थ का संबंध होता है वैसे वाचक और वाच्य का संबंध होता है हम किसी का नाम बोलते हैं तो वह उसका वाचक है और वाच्य जिसको बोला जाता है जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं वह कहलाता है जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम लेने से वो व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है उसका नाम जैसे ही हमने लिया तो उसकी एक छवि बनती है उसका चित्र बनता है संजा जो होती है जो नाम होता है आ, संजा के लिए विशेष एक परिभाषा बहुत सरल सी दी जाती है किसी वस्तु किसी व्यक्ति किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं बचपन से पढ़ाया जाता है तो ये संजा तात्पर्य क्या है कि हम जिसका नाम ले रहे हैं उसका अर्थ भी उसके साथ जुड़ा होता है इसलिए ये जो प्रणव है जिसको हमने पिछली कक्षा में थोड़ा सा संकेत किया था और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तो इसमें जो ओम शब्द आता है ओम शब्द का यहाँ पर बहुत वृहत् अर्थ हम लेंगे और जिसमें आकार उकार और मकार अकार से विराट अग्नि विश्व उकार से हिरण्य गर्भ वायु तेजस और मकार से ईश्वर आदित्य और प्राज्य इन अर्थों का ग्रहण होता है जो परम ऐश्वर्यशाली है जो आदित्य है सबका प्रकाशक है आदित्य सूर्य का भी जो प्रकाश देने वाला है वो परमात्मा और जो स्वयं सर्व ज्ञान का दाता है सर्वज्ञ है सब कुछ जानने वाला है और सबके अंदर जान का आधान करने वाला है वह प्राज्य है अतः उस परमेश्वर का जो मुख्य नाम कहा वो वो ओम है, वो प्रणव है और प्रणव नौ गुण है, प्रणव, अकार उकार और मकार से नौ नाम जो विराट अग्नि विश्व हिरण गर्भ, वायु और तेजस ईश्वर आदित्य और प्राज्य ये नौ नाम उसमें अर्थात नौ उसके गुणों के आधार पर उसका नाम हम लेते हैं वो एक है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। गुण कर्म स्वभाव से व्यक्ति का भी अलग अलग संज्ञाओं से उसका जो है संबोधन करते हैं उसका आ, उसको बुलाते हैं घर में भी या आ, आप बाहर भी देखें अलग अलग संज्ञाओं से व्यक्ति के गुण कर्मों को देख करके उसके स्वभाव को देख करके लोग उसको बुलाते हैं तो वह का प्रणव जैसा ऋषि ने कहा है तो हम नाम को लेकर के उस व्यक्ति को जो है समझते हैं उसको जानते हैं, नाम लेने मात्र से किसी भी वस्तु का किसी भी व्यक्ति का यदि आपने पूर्व परिचय किया है तो परिचय होने के बाद जब जब उसका नाम लेंगे तब तब आपके जो है चित्त में उसका हाँ उसका दर्शन होगा तो ऐसे ही जब जब हम ओम का उच्चारण करें तब तब ये उसके गुण कर्म स्वभाव आने चाहिए तब जाकर के तदर्थ भावना होगी कि जैसा हम नाम ले रहे हैं उस वाचक नाम ओम ओम का उच्चारण कर रहे हैं लेकिन वाच जो अर्थ है जिसके लिए हम उच्चारण कर रहे हैं यदि वो अर्थ हमको नहीं पता है तो उच्चारण मात्र से किंचित लाभ होगा लाभ तो होगा भावना जुड़ी रहेगी लाभ तो होगा लेकिन किंचित मात्र होगा अधिक लाभ नहीं होगा अतः हम उसके प्रति इतना समर्पण युक्त व्यवहार करें और उसके गुणों से फिर अपने स्वभाव को मिलाएं, हमारे अंदर भी वैसे स्वभाव वैसे विचार वैसे संस्कार वैसा स्वभाव बन जाए हमारे आचरण में वो चीज उतर जाए तब उसका जाप उसका उच्चारण सार्थक होगा तदर्थ भावनम उसके अर्थ की भावना सार्थक कहलाएगी केवल हम यदि किसी भी वस्तु का नाम लेते रहे तो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है कोई लड्डू 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 बोलता रहे रसगुल्ला रसगुल्ला बोलता रहे तो क्या उसकी जीवा मिठास से भर जाएगी नहीं भरेगी लड्डू लड्डू रसगुल्ला रसगुल्ला यदि उसको वांछा है उसको चाहत है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा ऐसे ही उस जगत पिता परमेश्वर का नाम लेने से उसके द्वारा दिए गए उपदेश का भी और जैसे वो ईश्वर है ईश्वर का नाम लेने से ऐश्वर्य हमारे अंदर आना चाहिए यदि हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं और हमारे अंदर संकीर्णता है विचारों की संकीर्णता है हमारे अंदर कमजोरी है हमारे अंदर छल कपट है हमारे अंदर ईर्षा द्वेष है हमारे अंदर प्रभुता का भाव नहीं है संप्रभुता का भाव नहीं हमारे अंदर विशालता का भाव नहीं है हमारे अंदर ठहराव का भाव नहीं है हमारे अंदर उच्छृंखलता है हमारे अंदर उथलापन है हमारे अंदर जो है अयम निजा परोवे त्यार ये मेरा ये तेरा है तू तू मैं -मै की जो भावना है इससे हम ऐश्वर का कभी हो नहीं सकते यदि ईश्वर का गुणगान करते हैं उसका ध्यान, मनन और चिंतन करते हैं तो वैसा हमारा स्वभाव भी होना चाहिए स्वभाव आरंभ में तो नहीं होगा परंतु धीरे धीरे शनै शनि हम जब अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से वह परिपक्वता आ जाती है वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है और हम धीरे धीरे आरोहण करते हैं उस पथ की ओर उस मंजिल की ओर जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है जन्म हमारा निरर्थक नहीं होगा सार्थक होगा अतः यह जो प्रणव है इसके ये ओंकार है इसके संदर्भ में हम और भी अनेक ग्रंथों का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे चाहे उपनिषद हो या दर्शन हो या अन्य जो ग्रंथ है उनका संदर्भ हम लेंगे वेदों में भी खूब इसका वर्णन आता है कठोपनिषद में क्योंकि आपने इसको पढ़ा है तो सर्वप्रथम मैं उसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि उस परमपिता परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है उसका मुख्य नाम ओम है आचार्य अर्थात जो यमाचार्य हैं नचिकेता को उपदेश करते हैं ब्रह्म विद्या का और उस परमपिता परमेश्वर के गुणगान का उसके ध्यान का उसके सच्चे स्वरूप का वर्णन करते हैं वो नचिकेता हम हो सकते हैं और वह ऋषि उपदेष्टा है जो उपदेश करने वाला है ऐसे हम अपने आप को समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा तो मैं आपके समक्ष यह मंत्र यह श्रुति आपके लिए लिख रहा हूं और यह जो मंत्र है ओम भूर्भुवस्व इसकी विशद चर्चा करेंगे और आगे क्योंकि बिना चर्चा के बिना वार्ता के हम ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते हैं ज्ञान के बाद फिर मनन करें मनन चिंतन निधिद्यासन लेकिन जब तक समझेंगे नहीं तब तक पूरा लाभ नहीं मिलेगा ब्रह्म के महत्व को सभी शास्त्रों ने गाया है और उसी बात को यहाँ पर कठोपनिषद में यमाचार्य ने नचकेता को समझाया है निज नाम उसका ओम है ऐसा जो है उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और सारे वेदों का समावेश करते हुए यमाचार्य कहते हैं कि सर्वे हे नचकेता सुनो तुम सर्वे

सर्वे वेदयत पद्मा मनंति तपान्सि सर्वाणि तपान्सि सर्वाणि

ब्रह्मचर्य छंतो ब्रह्मचर्य चरंती, तत्ते पदम, पदम संग्रहेण ब्रवीमी। Бравими омитетап. Бравимью бравимьюм итетап. Омитетап.

सर्वे वेदायत् पद्मा मनन्ति दायत पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति अंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ब्रह्मचर्यं चरन्ति पदम संग्रहेण ब्रवीमी ओम इत कह रहे हैं कि यमाचार्य उपदेश करते हैं कि वह परम पिता परमेश्वर जिसका जो है नाम ओम है और ये ओम का जो गुणगान है वह चारों वेद सर्वे वेदा सारे वेद जिस उक्त गुण वाले ब्रह्म को जो है मैं आपको उसका उपदेश पहले किया है पहले बहुत सारी बातें उन्होंने बताई उनको और कहा कि सर्वे वेदा चाहे ऋग्वेद हो यजुर्वेद हो साम हो अथर्वेद हो और शास्त्रों में भी ऐसा ही हमको उपलब्ध होता है ऐसा ही वर्णन है कि जिसकी प्राप्ति के लिए योगी जन द्वंदों को सहते हैं तपाल सी अनेक तपो को तपते हैं हर प्रकार से तप करते हैं आहार का तप करते हैं इस सारे तप जिसके लिए है तप करके जो प्राप्त करते हैं उस ईश्वर को वह जो है समाधि को निरंतर प्राप्त करते हुए जो समाधि में रत रहते हैं और ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का अखंडित पालन करते हैं इस सर्व, व्यापक, सर्व जगन्नियंता, ब्रह्म का अपना निज, अर्थात मुख्य नाम ओम है जिसका अर्थ है रक्षा करने वाला ओम का अर्थ क्या है रक्षा करने वाला सृष्टि का निर्माता और जीवों के जो है कर्म के अनुसार उसको भोग योनि में जो है भेजने वाला भोग योनि प्रदान करने वाला और अपने भक्तों को मुक्त सुख से युक्त करने वाला जैसे पहले भी हमने आकार उकार को पढ़ा तो आकार का अर्थ व्यापक जैसे आ सभी व्यंजनों में व्याप्त रहता है आ सभी व्यंजनों में चाहे क बोले ख बोले गा बोले घा बोले गा बोले, गा बोले, गा बोले। चा छा जा झा या ठा ठा डा ढा ना ता था दा धा ना पा फा बा भा, भा मा या रा ला वा शा ये सारे जो है व्यंजनों में आ समाहित है बिना आ के उच्चारण आप इनका कर नहीं सकते उच्चारण करके कभी आप व्यंजनों को पढ़िए अटपटा लगेगा उच्चारण होगा नहीं इसलिए जैसे सारे जो व्यंजन है, है तभी हम उनका उच्चारण एक उदाहरण बताया और स्वर के बिना व्यंजन अधूरे होते हैं वो बोले नहीं जा सकते ऐसे ही ईश्वर के बिना यह सारा संसार निष्प्राण हो जाता है उसमें वो प्राण नहीं रह पाता है वह सामर्थ्य नहीं रह पाता यदि ईश्वर ना हो तो हमारा सामर्थ्य क्या है कुछ भी नहीं है अतः यह निष्प्राण हो जाएगा और ऊ का अर्थ है उत्पादक सृष्टि का उत्पन्न करने वाला है पालक है और मकार मकार का अर्थ है ये साधारण शब्द से आपको बता रहे हैं मकार का अर्थ है मारना अर्थात संतुलित करना संघार करना आका अर्थ ये कहा कि जान है देखो अले, अलग 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 ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं पहले भी हमने आकार उकार मकार को पढ़ा और यहां आकार उकार मकार फिर से बता रहे हैं आकार का अर्थ क्या है जो सब का पालन करने वाला है जो सर्वव्यापक है जिसकी सत्ता चहु ओर है कणकण में जो समाया है और उकार का तात्पर्य क्या है जो सबका उत्पादक है सृष्टि का उत्पन्न करने वाला और पालक है मकार का अर्थ है जो मारने वाला है अर्थात संघार करने वाला है तीन अर्थ ये हो गए और अगला फिर अर्थ कह रहे हैं कि आकार का अर्थ है जो है जान। और उकार का अर्थ है कर्म और मकार का भाव है अहम भाव को छोड़ना मकार का अर्थ क्या है अहंकार की भावना को छोड़ देना अहंकार से रहित हो जाना अहम को मारना इस प्रकार से ओम शब्द बहुत गोढ़ अर्थ वाला है बहुत जितना इसका आप विशालता से जितनी समग्रता से आप इसका अर्थ करना चाहोगे आपको वह अर्थ मिलेगा और इस ओम शब्द का अद्वितीय नाम वाला है इसी को अनेक जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव के नाम से भी कह देते हैं जो ब्रह्मा उत्पत्ति करता है विष्णु जो पालन करता है और शिव जो संघारक है गोड कह देते हैं जिसे जनरेटर ओसे ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉयर तो यही स्थिति है यही स्थिति है वह परम शक्ति है उसको अनेक नामों से हम जानते हैं समझते हैं इसी के जाप से और इसके ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है यह निश्चित रूप से हमारे लिए कल्याणकारी है नचकेता ऐसा तो निश्चय से जान इसके स्थान पर किसी अन्य अधूरे सीमित भौतिक साकारवान और अन्य जो पदार्थ है संसार में वो तेरे लिए पूजनी नहीं है तेरे पूजनी मतलब आपके लिए वह ध्यान उसकी उपासना आप करने के यदि उत्सुक हैं तो वो आपको ठीक मार्ग पर नहीं ले जाएगी उपासनी तो केवल एक ही है वो परमपिता परमेश्वर उसी की उपासना करनी चाहिए उसी की स्तुति प्रार्थना उपासना करना कर्तव्य बताया है कर्ण कर्ण में जो रमा है हर दिल में है समाया उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया तो उस परमात्मा का गुणगान करें उसी से यह सारा जहान अच्छा बनता है क्योंकि उसके बिना यह कुछ भी चल नहीं सकता अतः एक एक पल पल उसके प्रति हम निछावर करते चले और ये परम पद है ओम का उच्चारण ओम का गुणगान ही सारे महानताओं का मूल है। अतः ओम का उच्चारण हम करें ओम से ही सारा ये जो भी ओंकार आप हाथ ऐसे करेंगे तो ये भी ओंकार की जैसी स्थिति है वृक्षों को देखेंगे ओंकार की स्थिति में है किसी भी आकार को देखिए ओंकार के आकार में है कहीं भी इसको भी देखो इसकी सेब देखो ओंकार क्या कार में इसका भी सेब देखो ये भी ओंकार क्या कार में है अपने हर पल हर क्षण कोई भी वस्तु कोई भी व्यक्ति कोई भी पदार्थ देखो तो उसी से सब ओत है उसके बिना कुछ हो नहीं सकता आ से देखो ये ओ आ है ना जो भी आप वस्तु आप इसका परीक्षण करें इसके बिना कुछ हो नहीं सकता ये कवि की आप कल्पना भी कह सकते हैं तो कवि है लेकिन जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी किसी को उसमें काम नजर आता है किसी को उसमें राम नजर आता है इसलिए यह इंसान वही है जो उस परम पिता परमेश्वर का गुणगान उसका हर पल ध्यान करे क्योंकि उसकी ही रजा मंदी से ही ये सारा संसार चलता है उसके बिना ये चल नहीं सकता है मनुर्भाव की ये जो कामना है ये जो स्थिति है इसी में आ, सारा ओम नाम से निकला जो बच कर मोहमाया के जाल में फंस कर हो गया आज गुलाम रे तू तो हो गया आज गुलाम। रे प्राणी रटले हरी का नाम रे प्राणी रटले हरी का नाम जिस दौलत पर तुझे है भरोसा जाने कब तुझे दे जाए धोखा ये तो लुट जाए सर आम ये तो लुट जाए सर आम प्राणी रटले हरी का नाम रे प्राणी रटले हरी का नाम पता लगा पहले ब्रह्म ज्ञान का परमानंद उस परम धाम का ले ठीक रे तू तो ढूंढ ले ठीक रट रटले हरी का नाम रे प्राणी रटले हरी का नाम तो ये जो वह ईश्वर है वो ओम है वो उसका उच्चारण जो परम धाम को ले जाने वाला है परम शांति को प्राप्त कराने वाला है उसका हम गुणगान करें उसका ध्यान करें उसका चिंतन मनन करें जिससे हमारे अंदर पवित्रता का भाव आएगा और हमारी सारी अपवित्रता हमारे कलमश हमारे पाप हमारे जो दुर्गुण दुर्वसर दुर्व्यवहार है वो भी दूर होंगे थोड़ा सा समय निकाल करके प्रातः और सायम संध्या के समय हम सारे मंत्र नहीं आते हैं तो कम से कम गुरु मंत्र गायत्री का और गुरु मंत्र गायत्री भी यदि नहीं आता तो ओंकार का उच्चारण जरूर करना चाहिए जब भी परेशान हो हताश हो निराश हो गहरे गहरे श्वासों के साथ ओंकार का जाप करेंगे आपको तत्क्षण सफलता मिलेगी शांति सुख और आनंद मिलेगा तो इसकी चर्चा और अगली कक्षा में चलती रहेंगी अभी यहीं पर इसका विराम करते हैं ओ शांति शांति शांति